हेलो एवरीवन, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पे हम लोग डिविजिबिलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स देखेंगे। ये थ्योरम कहता है लेट ए एंड बी बी इंटीजर्स दैट आर नॉट बोथ जीरो, देन ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स एक्स एंड वाई सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ पार्ट दिया हुआ है, दैट मीन्स आप लोगों को ए एंड बी रिलेटिवली प्राइम पहले कंसिडर करना पड़ेगा और एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू वन ये प्रूव करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड राउंड, जब आप एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू वन लेते हो, कंसिडर करते हो, तो आपको ए और बी रिलेटिवली प्राइम प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। लेट ए एंड बी बी रिलेटिवली प्राइम, हमने इन्हें रिलेटिवली प्राइम कंसिडर किया। ठीक है, अगर ये रिलेटिवली प्राइम है, दैट मीन्स कि जब हम लोग इनका ऑर्डर पेयर लेंगे तो वो वैल्यू वन मिलेगी। ठीक है, ऑर्डर पेयर की वैल्यू वन मिलेगी। और हमने इसके पहले वाले थ्योरम में पढ़ा है, बाय प्रीवियस थ्योरम देयर एग्जिस्ट एक्स एंड वाई सच दैट, वहां पे x और y एग्जिस्ट करेंगे इस तरीके से कि जब आप x a प्लस वाई बी लिखते हो तो वो वैल्यू आपको 1 मिलेगी। ठीक है, x a प्लस वाई बी जो है वो वैल्यू 1 मिलती है। दैट इज ऑर्डर पेयर ए बी को आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ x a प्लस वाई बी के फॉर्म में। ठीक है, तो यानी इसे आप लिखोगे ऑर्डर पेयर x a प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके पहले थ्योरम से आप क्या लिख सकते हो, ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी। ठीक है, पर ऑर्डर पेयर ए बी इक्वल टू 1 है तो ये एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, मूव करते हैं कॉन्वर्सली पे। कॉन्वर्सली में आप क्या कंसिडर करोगे, लेट एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अज्यूम करोगे आप, अज्यूम फॉर सम एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स लेट ऑर्डर पेयर ए बी जो है वो इक्वल टू डी मानोगे आप। ठीक है, एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1 आपने माना और अज्यूम किया कि ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू डी है करके। ठीक है, जब ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू डी है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि डी डिवाइड करेगा ए को और साथ ही साथ डी डिवाइड करेगा बी को। यानी हम इसे कैसे लिख सकते हैं, डी डिवाइड एक्स ए प्लस वाई बी। ठीक है, दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, डी डिवाइड एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1 है, यानी डी डिवाइड्स 1। ठीक है, और हमने इसके पहले एक थ्योरम पढ़ा था कि जब ए डिवाइड करता है बी को तो बी ऑलवेज ग्रेटर देन ए होना चाहिए, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू ए होना चाहिए। दैट मीन्स कि हम सिंस हमारा जो डी है वो ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स कि डी जो है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है। ठीक है, हमने वो थ्योरम पढ़ा था, याद होगा आपको, a डिवाइड्स b imply b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू a। ठीक है, ये वाला थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, तो दैट मीन्स कि d जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा है, यानी ये वैल्यू 1 है, तो यानी d को इससे बराबर तो भी होना ही चाहिए। ठीक है, तो d का वैल्यू 1 आ गया, d का वैल्यू 1 आ गया, दैट मीन्स कि ऑर्डर पेयर ए बी जो हमने डी कंसिडर किया था वो वैल्यू क्या है, 1 है। और हमारी रिलेटिवली प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है, रिलेटिवली प्राइम की डेफिनेशन होती है कि ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, दैट इज ऑर्डर पेयर ए बी इज रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है प्रूव दैट ए कॉमा बी सी इज इक्वल टू 1, इम्प्लाई करेगा कि ए बी इक्वल टू वन है और ए सी इक्वल टू 1 है। ठीक है, ए सी इक्वल टू वन है, तो स्टार्ट करते हैं ये प्रूफ करने के लिए। पहले इसे हमें कंसिडर करना पड़ेगा, लेट ए बी सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, कौन से इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, एक्स एंड वाई सच दैट कि एक्स ए प्लस वाई टाइम्स बी सी इज इक्वल टू क्या होगा,
वन होगा, ठीक है। अब एक्स ए प्लस वाई टाइम्स बी सी इज इक्वल टू वन है, दैट मीन्स आप इसे कैसे लिखोगे, वन इक्वल टू एक्स ए अगर आप लिखते हो, प्लस वाई सी को आप साथ में लिख सकते हो, वाई सी और डॉट बी लिख सकते हो। अगर आपने इस तरीके से लिखा, दैट मीन्स कि आप इसे कैसे मानोगे, ए बी ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू वन, यानी आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ए ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू वन लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप इस इक्वेशन वन नाम दो, फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है। अभी आप सिर्फ लिख रहे हो एक्स ए प्लस वाई बी डॉट सी इज इक्वल टू वन, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, यानी वन इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी डॉट सी, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या होता है कि ऑर्डर पेयर ए सी इज इक्वल टू वन, ठीक है। यानी देखो हम इन कंबाइन लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू वन है और साथ ही साथ ए सी इज इक्वल टू वन है, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, अगर ए कॉमा बी सी इज इक्वल टू वन है तो हम ए बी इक्वल टू वन भी प्रूफ कर सकते हैं और ए सी इज इक्वल टू वन भी प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू डी देन ए डी कॉमा बी डी इज इक्वल टू वन, ये हमें प्रूफ करना है। ये दो मार्क्स के लिए आया था समर 19 में, ठीक है। तो जो हमें दिया गिवन कंडीशन है वहीं से स्टार्ट करते हैं, डेट ए बी इज इक्वल टू डी, ठीक है। ए बी आपने डी लिखा, देन देर एग्जिस्ट इंटीजर्स, वहां पे इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, है ना। इंटीजर्स किस तरीके से, इंटीजर्स एक्स एंड वाई सच दैट, आप क्या लिख सकते हो, एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू डी, है ना। एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू डी, क्यों, क्योंकि ये इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी है, है ना। तो आपने इसे क्या लिखा, एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू डी, तो एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू डी फिर से लिख लो, तो ये होगा एक्स डॉट ए बाई डी प्लस वाई डॉट बी बाई डी इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो दैट मीन्स आप क्या लिख रहे हो, यहाँ पे ये जो पेयर है, इसके पहले आपने पढ़ा था एक्स टाइम समथिंग प्लस वाई टाइम समथिंग इक्वल टू वन है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों टर्म जो है वो क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, ए बाय डी एंड बी बाय डी आर रिलेटिवली प्राइम है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बाय डी कॉमा बी बाय डी अगर आप लेते हो तो इनका जीसीडी क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, बहुत सिंपल था। हमने ए बी को डी लिखा तो इंटीजर्स एक्स एंड वाई एग्जिस्ट करेंगे कि एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू डी है, डी को जस्ट आप डिवाइड करो। अब यहाँ पे ये जो है टर्म्स इक्वल टू वन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों पेयर जो है वो रिलेटिवली प्राइम है, यानी उनका जीसीडी इक्वल टू वन है। ये आया हुआ है समर 19 में, दो मार्क्स के लिए, ठीक है। यह है ल्यूसलेट लेमा, इफ ए डिवाइड्स बी सी एंड ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू वन, दैट मीन्स ऑर्डर पेयर ए बी जो है वन है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि ए डिवाइड्स सी, ठीक है। तो इसे हम प्रूफ करते हैं, लेट स्टार्ट करते हैं जो दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू वन, ठीक है। देन इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट इंटीजर एक्स एंड वाई सच दैट क्या रहेगा, एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू वन है, अब सी से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा सी एक्स ए प्लस सी वाई बी इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू सी हो जाएगा, और सी इक्वल टू आप लिख सकते हो ए सी एक्स प्लस बी सी वाई, ठीक है। आपने ए सी एक्स बी सी वाई लिखा, अब आपको पता है कि ए जो है वो ए सी को डिवाइड करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ए है, तो दैट मीन्स ये कम ए कैंसिल होके आपको सी मिल रहा है, सी जो है वो एक इंटीजर है, ए इसका मतलब ए ए सी को डिवाइड कर रहा है, और साथ ही साथ क्या होगा कि ए जो है वो बी सी को भी डिवाइड कर रहा है, ए जो है वो बी सी को भी डिवाइड कर रहा है, कैसे, ये हमको दिया हुआ है, गिवन है ना, ये वाला हमें गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या लिख सकते हो, ए डिवाइड करेगा, ए सी के साथ में एक्स लिखो, बी सी के साथ में वाई लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स एंड वाई तो इंटीजर्स है,
दैट मीन्स कि आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, a डिवाइड्स, यहाँ पे c कॉमन आउट करो, ax प्लस बी वाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, a जो है वो c को डिवाइड कर रहा है ना, a जो है वो c को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ए सी ऑफ एक्स प्लस बी सी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या, बी सी ऑफ एक्स प्लस बी सी ऑफ वाई इज इक्वल टू सी है। ठीक है, ए सी ऑफ एक्स प्लस बी सी ऑफ वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था, ए डिवाइड्स ए सी। ये एक और छोटा सा थ्योरम देख लीजिए, यहाँ पे a डिवाइड सी है, b डिवाइड सी है विथ ऑर्डर पेयर ए बी, वो ऑर्डर पेयर ए बी इक्वल टू वन है, तो हमें बताना है ए बी डिवाइड सी। ठीक है, हमें बताना है ए बी डिवाइड सी, तो पहले जो दिया हुआ है वही से स्टार्ट करते हैं। a डिवाइड सी है तो a डिवाइड सी को हम कैसे लिखेंगे, c इक्वल टू एम ए फॉर सम इंटीजर, m बिलोंग्स टू कैपिटल I। तो b डिवाइड सी है, b डिवाइड सी है तो c की जगह हम क्या पुट करेंगे, एम ए। ठीक है, c की जगह हमने एम ए पुट किया। अब ऑर्डर पेयर ए बी जो है, ऑर्डर पेयर ए बी इक्वल टू वन दिया हुआ है ना, ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू वन दिया हुआ है, और इसके पहले हमने यूक्लिड डिलेमा में क्या देखा था कि अगर हमारा ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू वन है और ए डिवाइड सम इंटीजर है, तो हम और ए डिवाइड सम इंटीजर है, ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू वन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी डिवाइड्स एम लिख सकते हैं। ठीक है, बी डिवाइड्स एम लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों का जीसीडी जो है वो वन आ रहा है, दैट मीन्स बी डिवाइड हमने एम लिखा। अब बी डिवाइड एम लिखने के बाद हमने क्या किया, ए से मल्टीप्लाई किया, ए से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या देखा कि एम इक्वल टू सी है, तो यानी यहाँ पे हमने लिखा ए बी डिवाइड सी, वही हमें प्रूफ करना था, ए बी डिवाइड सी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ मोर देन टू इंटीजर्स। ठीक है, इसके पहले अगर हमारे पास जो मोर देन टू इंटीजर्स थे, जैसे सपोज यहाँ पे मैं टू एंड फाइव लूंगी, उसका जी सी डी वन आएगा, पर अगर हमारे पास दो से ज्यादा इंटीजर्स हैं, जैसे टू थ्री फाइव सपोज है, तो इनका जी सी डी क्या आएगा, वन, और अगर मेरे पास नंबर है टू फोर सिक्स, इनका जी सी डी क्या आएगा, टू। ठीक है, कंसिडर द इंटीजर्स ए वन टू एन, यानी आपके पास चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, That are not all zeros. सारे zeros नहीं होने चाहिए. The GCD of these integers is the largest integer which is the divisor of all these integers. यानी GCD यानी इस pair का A1 to AN वाले pair का GCD जो है वो number होगा जो कि इन सबको divide करेगा. ठीक है, It is denoted by A1 to AN. इसके पहले जो GCD था उसे भी हम bracket में ही denote करते थे, है ना, same. जो A1 टू AN वाले नंबर्स हैं उनको भी हम इसी तरीके से डिनोट करेंगे ओपन ब्रैकेट से। ठीक है, जैसे सपोज एक एग्जांपल है, स्टैंडर्ड एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ये 10, 15, 25 और 45 है, तो हमको पता है इसमें जो कॉमन डिवाइजर जो है वो 5 है, दैट मीन्स इसका जीसीडी जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ऑल दिस इंटीजर्स इज 5। ठीक है, जैसे स्टार्ट करते हैं एक डेफिनेशन से, एक डेफिनेशन है म्यूचुअली रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, म्यूचुअली रिलेटिवली प्राइम में क्या होता है कि आप जितने भी इंटीजर्स लोगे उनका जीसीडी जो है वो इक्वल टू वन आना चाहिए। ठीक है, सारों का मिला के जीसीडी वन आना चाहिए, तब वो म्यूचुअली रिलेटिवली प्राइम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में देते हैं, अगर सपोज हमारा टू टू है, फोर है और थ्री है, तो इसमें म्यूचुअली रिलेटिवली प्राइम में इनका जीसीडी क्या आएगा, वन आएगा, है ना, और ये म्यूचुअली वाला है, भले ही इनका इन दोनों का टू हो, लेकिन इसके साथ जब आप कंपेयर करोगे तब जीसीडी जो है वो वन ही आ जाएगा। ठीक है, यानी इन दोनों का जीसीडी अगर आप देखोगे तो वो टू रहेगा, पर टू और थ्री का जीसीडी क्या है, वन है, तो इसलिए यहाँ पे वन आ जाएगा। ठीक है, तो वो म्यूचुअली रिलेटिवली प्राइम हुआ। ठीक है, म्यूचुअली में क्या होगा कि आप दो दो का पेयर भले ही ले रहे हो, लेकिन जो सबका मिला के जो जीसीडी आएगा वो आप लोगे। ठीक है, और पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम में क्या होता है, द इंटीजर्स आर सेट टू बी पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम इफ ईच पेयर ऑफ इंटीजर्स ए आई एंड ए जे इज रिलेटिवली प्राइम। हर एक पेयर जो है वो एक दूसरे से रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, टू ले लिया, थ्री ले लिया, फाइव ले लिया, अब इन दोनों का जीसीडी आप निकालोगे वन रहेगा, और वन और फाइव का जीसीडी निकालोगे वन रहेगा, दैट मीन्स कि आप कोई भी पेयर लो, जैसे टू थ्री का पेयर लो, थ्री फाइव का पेयर लो, अगर आपने ऐसा पेयर लिया तो
हर एक पेयर का जीसीडी जो है वो वन आना चाहिए, तब वो पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम रहता है। हर एक पेयर जो है वो आपको जीसीडी यहाँ पे वन देनी चाहिए, तब वो पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम रहेगा। और म्यूचुअली में क्या होगा, सारा म्यूचुअल वैल्यू इक्वल टू म्यूचुअल जीसीडी जो है वो वन देना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल था, जैसे 7, 10 और 16 आप लेते हो, तो इसका जब आप म्यूचुअल जीसीडी निकालोगे, तो वो वैल्यू 1 आएगा, इसलिए ये क्या है, म्यूचुअली रिलेटिवली प्राइम। और जब आप 10 और 16 का निकालोगे जीसीडी, तो वैल्यू 2 आएगा। दैट मीन्स ये क्या हुआ, ये वैल्यू जो है वो पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम नहीं है, पर बस म्यूचुअली रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, और एक चीज याद में रखनी है कि जो पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम रहेगा वो म्यूचुअली रिलेटिवली प्राइम रहेगा ही रहेगा, पर जो म्यूचुअली रिलेटिवली प्राइम है वो पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि वो रहेगा ही, मतलब रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, ऐसा है। हमें कंडीशन चेक, मतलब हर एक टर्म को चेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, एक थ्योरम है, इफ, ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, आ चुका है समर 17 में 4 मार्क्स के लिए। इफ ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, बी नॉट इक्वल टू जीरो, है एंड ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, वेर आर इज बिटवीन जीरो टू बी, तो हमें बताना है कि ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर बी आर, हमें ए बी इक्वल टू बी आर बताना है। ठीक है, एंड जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी आर। तो स्टार्ट करते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू, हमने क्या लिया, सी ले लिया, एंड बी आर इज इक्वल टू क्या ले लिया, डी ले लिया। ठीक है, अभी हम क्या ले रहे हैं, ए बी इक्वल टू सी है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि सी जो है वो डिवाइड करेगा ए को, और साथ ही साथ सी जो है वो डिवाइड करेगा बी को। इसका मतलब हमने से कैसे लिखते हैं, सी डिवाइड ए माइनस बी क्यू भी लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर क्यू, है ना, क्योंकि हम लोग क्या, अगर सी डिवाइड ए है, सी डिवाइड बी है, दैट मीन्स उनका कॉम्बिनेशन ए प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, माइनस भी लोगे तो वो भी डिवाइड ही करेगा। ठीक है, तो ए माइनस बी क्यू हमने लिया, तो यानी सी जो है ए माइनस बी क्यू को भी डिवाइड करेगा, यानी यहाँ पे क्या लिखा, सी डिवाइड्स आर, बिकॉज ए माइनस बी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आर, सिंस आर इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू लिया, तो यानी यहाँ पे सी डिवाइड्स आर लिख लिया हमने। ठीक है, हेंस हमको क्या मिला यहां से, कि सी बी को भी डिवाइड कर सकता है और सी आर को भी डिवाइड करता है, दैट इज सी इज अ कॉमन डिवाइजर, सी जो है वो क्या है, कॉमन डिवाइजर ऑफ बोथ, किसका किसका, सी का और सी एंड आर, सॉरी बी एन आर, बी एन आर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कैसे लिख सकते हैं, सी जो है वो क्या है, कॉमन डिवाइजर है, बी और आर का कॉमन डिवाइजर है, तो सी ये नंबर्स तो बड़े ही रहेंगे किससे, सी के, पर इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा, सी, इसलिए सी जो है उनके बराबर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, पर बी आर जो है वो बड़े रहेंगे, तो दैट मीन्स हमने क्या लिखा, सी जो है वो लेस देन इक्वल टू, बी आर की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, डी लिखी थी, तो सी आर इज लेस देन इक्वल टू हमने डी लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली बी आर की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली थी, डी ली थी, है ना, बी आर की वैल्यू डी ली थी, तो हम क्या लिख सकते हैं कि डी जो है वो क्या करेगा, डी डिवाइड्स बी करेगा और साथ ही साथ डी डिवाइड्स आर करेगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी डिवाइड्स बी क्यू प्लस आर भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो डिवाइड करता है, और बी क्यू प्लस आर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर ए होता है, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी डिवाइड्स A. तो हम क्या लिख सकते हैं, 10, हमने क्या दिखाया कि D जो है वो A को डिवाइड करता है और साथ ही साथ D जो है वो क्या कर सकता है, B को भी डिवाइड कर सकता है, यानी D जो है वो क्या है, कॉमन डिवाइजर है, कॉमन डिवाइजर ऑफ A भी, A एंड B, D इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड B, दैट इज D जो है वो लेस देन इक्वल टू ऑर्डर पेयर A भी आएगा और D इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी जो था वो क्या था, सी था, यानी
डी इज लेस देन इक्वल टू सी, सिंस ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू सी आप लिखोगे, ठीक है। तो और इसके पहले हमने क्या लिखा, अगर सपोज हम इसको टू नाम देते हैं तो इसके पहले जो वैल्यू थी, इसको पहले जो वैल्यू थी उसे हम क्या नाम देंगे, वन नाम देंगे, है ना। सी इज लेस देन इक्वल टू डी और डी इज लेस देन इक्वल टू सी, यानी इससे क्या होगा, फ्रॉम वन एंड टू हम क्या करेंगे, डी इक्वल टू सी करेंगे, ठीक है। डी इक्वल टू सी दैट इज डी की वैल्यू क्या है ऑर्डर पेयर ए बी, और सी की वैल्यू क्या है ऑर्डर पेयर बी आर, है ना। सी की वैल्यू ऑर्डर पेयर बी आर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है। तो इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसे हमने क्या किया, इसे नाम दे दिया, ए बी को सी नाम दिया, बी आर को डी नाम दे दिया, ठीक है। इसे कंसिडर करेंगे ए बी इक्वल टू सी, दैट मीन सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी, ठीक है। अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ए माइनस बी क्यू लेंगे, ए माइनस बी क्यू इज इक्वल टू आर है, दैट मीन सी डिवाइड्स, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सी डिवाइड जो है वो बी को भी कर रहा है और आर को भी कर रहा है, ठीक है। बी और आर को कर रहा है, दैट मीन्स कि बी आर को कर रहा है, और बी आर की वैल्यू क्या है, डी है, है ना। बी आर की वैल्यू हम लोगों ने डी ली थी, तो यहाँ पे बी आर की वैल्यू हमने डी लिखी, इसे हमने इक्वेशन वन नाम दिया। सिमिलरली बी आर इज इक्वल टू डी ए जब हमने लिया तो हम क्या लिखेंगे, डी डिवाइड्स बी एंड डी डिवाइड्स आर, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, और ये क्या है ए है, यानी डी डिवाइड्स ए लिख दिया हमने। अब डी डिवाइड्स ए लिखने के बाद हमने क्या किया, डी डिवाइड ए हो रहा है और बी हो रहा है, और ए बी को साथ में लिखेंगे, ए बी का क्या है सी है, ए बी इक्वल टू सी, दैट मीन्स अब ए फर्स्ट में हमने लिया सी लेस देन इक्वल टू डी, और सेकंड में लिया डी लेस देन इक्वल टू सी, दैट मीन्स फ्रॉम वन एंड टू डी और सी जो है वो क्या है इक्वल है, और डी का वैल्यू ए बी है, सी का वैल्यू बी आर है, ठीक है। और हमें यही पूछा था प्रूफ करने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।